फिल्म इंडस्ट्री की पहली तनख्वाह लाहौर में यशी के बड़े भाईजान बी आर चोपड़ा साहब की पहली तनख्वाह मिली, हौसला अफजाई मिली। मैं इतना शुक्रगुजार हूँ। मैं उस वक्त चिश्ती बाबा का असिस्टेंट था। एज एन असिस्टेंट मुझे उस वक्त 125 रुपया महीना, बहुत बड़ी तनख्वाह है, मुझे मिली। मैं बी आर चोपड़ा साहब को कभी नहीं भूलता, ना भूलूंगा, कभी नहीं भूलता। I am a diploma holder from the Film and Television Institute of India, and I feel that the little that I have achieved today is in large measure due to the fact that I was fortunate enough to get the benefit of training. When you are passing out from the institute, please treat it like your first day. You don't have all the answers. You do not know everything. If you want to be an artist, if you wish to be an artist, whether you are a director, an actor, an editor, a writer, a craftsman, what is very important for you is that your resource base must be life itself. You have to find truth, you have to find connection from life. I thank all the members of the distinguished management for having conferred this honor on me. I congratulate Sabhasji and his team on the 5th anniversary celebrations and for the wonderful work they have done in creating this much needed institution called Distinguished. एक ढंग की फिल्म बनने पर सकते थे, फिर ढंग की फिल्म बनेगी तो उसको बनाएगा। जब वो उसको फिल्म जब कोई भी फिल्म बनती है, इफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री एक्सेप्ट देम देयर कंप्लीट्स इट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रेनिंग है, जो 2 साल की ट्रेनिंग है, और अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपका कैरियर 5 साल का नहीं होगा, फिर 45 साल का होगा। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने ट्रेनिंग ली थी फिल्म इंस्टीट्यूट से, और अगर मैं 35 साल से रहूं तो उसमें मेरी उस ट्रेनिंग ने बहुत मदद की है, क्योंकि वो एक फाउंडेशन होती है। फिर आगे उस लड़के की परफॉर्मेंस, उसकी तकदीर, उसकी बहुत सी चीज़ें जो है सामने आती हैं। जैसे हमारे संगीत में है रियाज, सीखा हुआ इंसान भी रियाज करता है। हम भी आज इस उम्र में रियाज शुरू करते हैं, तो प्रैक्टिस, रियाज, जो भी तरीका हो, जो भी सिखाया गया है उसी तरीकों अपनाए। कोई मेरे कहे हुए बात नहीं, जो एकेडमी ने, जो उनके प्रोफेसर्स ने, जो उन्होंने के सर जितने हैं, उन्होंने जो गाइडेंस उनको दिए उसके मुताबिक वो चले।